हाय फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास ये एक राम संस्का G2209। ये देखो, हम दिखा दें आपको। ये एक जिसे बोलते हैं टेप रिकॉर्ड डेग, ये घने सालों से एक कस्टमर मेरे पास लेकर आया है इसको। ये आज देखते हैं, हम इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। आइए फ्रेंड, इसको खोलते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। देखो इसमें नट वट तो है नहीं कोई भी। ये खोल दिया। ये देखो, आप भी देख सकते हैं इसकी हालत कि कैसी हुई पड़ी है। देखो ये राम्स, देखो ये इसका लाइट वाइट है, इसकी LED जलती होंगी। ये इसके तार वार पड़े हैं कटे हुए, और इसमें इसकी एक रबड़ वाली होती है, इससे मोटर चलती है ना, वो है इसके अंदर, ये ऐसे घूमती है। बोर्ड वोर्ड इसका ऐसे डैमेज हो रहा, सारे तार वार भी हटे पड़े हैं। देखो मेन लाइन के तार हटे हैं, ये ट्रांसफार्मर के तार हैं इसके, ये तो शायद इसी लाइट वाइट या वॉल्यूम वॉल्यूम कहोगे, ये इसके स्पीकर के हैं शायद, ये रेड ब्लैक की वाइट। चलो इनको देखते हैं। आइए इसको देखो, बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके नटों को खोलते हैं। ये देखो फ्रेंड, ये मैंने इसका बोर्ड खोल लिया है। इसमें देखो कितना गंदगी जमी हुई है इसके अंदर। ये देखो क्या पिस्टर वेपस्ट्री क्या हो गया, कोई घने तार लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये देखते हैं, ये है शायद 44-40 का होगा ये बोर्ड, यानी कि घनी ही पुराना है, बहुत पुराना बोर्ड है। पता ना कितना पुराना है, लेकिन बहुत पुराना है ये। ये देखो फ्रेंड, ये है 44-40 का बोर्ड, इस पर लिखा हुआ है साफ साफ। कोई भी तार नहीं लगा पड़े, हमें एक भी तार ना लग रहा। कैसे नहीं हो रही, निकल गई कैसेट इसकी, इसमें भी कैसेट लगी हुई है। ऐसे है यो।